गुड मॉर्निंग आज हम आपके लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट दो हजार इक्कीस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो दोस्त कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे यू जी सी नेट पी जी टी इकोनॉमिक सब्जेक्ट से या अदर कंपटीशन ही कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होने हैं वीडियो पूरा देखना है पहला क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है उसमें तो आएगा हमारा कृषि सेकेंड क्वेश्चन है कृषि आर्थिक विकास एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के होते हैं तो क्या होते हैं भाई बिल्कुल सिंपल है पूरक आर्थिक विकास एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं तो नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया तो यह है भाई दादा भाई नौरोजी तीसरा उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो उसमें सत्रह मार्च नंबर पाँच रूस की मुद्रा है तो ये हमारी रूबल नंबर छः भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो ये हुई जी उन्नीस सौ बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है नेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था भाई जब मैंने नेट एग्ज़ाम दिया था तो दोस्तों मैं भी नेट की तैयारी कर रहा हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं मैंने बहुत क्वेश्चन है तो आप बेल आइकन दबा दीजिए चैनल सब्सक्राइब जिससे कि आपको मैं क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन लाता रहूँगा तो दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक नॉर्मल बोरलॉग किस देश के थे तो यह है भाई मैक्सिको नॉर्मल बोर्लॉग जो थे प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने हरित क्रांति सिप्स के बारे में भी हरित क्रांति का भी वर्णन किया था भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ तो उसको बोलते हैं जीएसटी भारत में जी कब लागू हुआ तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये एक जुलाई 2017 ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नंबर नौ भारत का सबसे बड़ा उद्योग है तो भारत का जो सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष हुई तो ये हमारा उन्नीस सौ को विश्वव्यापी महामंदी हुई थी तो नंबर ग्यारह क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है तो भाई आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों चैनल सब्सक्राइब आइकन दबा दो जिससे कि अपना नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिलता रहे